भागलपुर औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना अंतर्गत हत्या की घटना के पूर्व दो सुपारी किलर और सुपारी देने वाला भागलपुर पुलिस के हाथे चढ़ गया। बताते चले कि आगामी त्योहार को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध शराब, आर्म्स, मादक पदार्थ आदि की बरामदगी हेतु सघन गश्ती और छापेमारी की जा रही है। वाहन चेकिंग के क्रम में औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र में एक चार पहिया वाहन के साथ दो युवक को एक देसी कट्टा और एक कारतूस के साथ पुलिस ने धर दबोचा है। पूछताछ के दौरान दोनों युवक ने बताया कि एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए एडवांस लेने के लिए आए हैं। इस मामले की तकनीकी जांचोपरांत सुपारी देने वाले व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सुपारी देने वाले शख्स ने बताया कि उसका साला भागलपुर में रेलवे में कार्यरत है, उसी की हत्या करवाने की सुपारी दी गई थी। अवैध शराब, आर्म्स, मादक पदार्थ को रोकथाम हेतु लगातार छापेमारी जा रही है। इसी क्रम में 25/10/24 को इंडस्ट्रियल एरिया थाना में वाहन चेकिंग करते समय दो व्यक्ति, एक कैलाश कुमार और राकेश कुमार, एक देशी कट्टा, एक कारतूस के साथ पकड़ा गया है। उनके पूछताछ क्रम में उनके द्वारा बताया गया था कि एक व्यक्ति को हत्या करने के लिए एडवांस लेने के लिए जा रहे थे और पूछताछ क्रम में हत्या करवाने को सुपारी देने वाले को भी गिरफ्तार किया है। उनका नाम है अरुण कुमार। इसी क्रम में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कितने का सुपारी दिया गया था सर? इस बारे में अभी जांच चल रही है, इससे कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। इनके द्वारा बताया गया कि सुपारी लेने के लिए जा रहे थे, ये दो लोग जा रहे थे। सुपारी देने के लिए, मतलब ये दो लोग है सुपारी लेने के लिए जा रहे थे। इनको अरुण कुमार को, उनको साला एक रेलवे कर्मी है भागलपुर में, उनको हत्या करवाने के लिए ये चाहते थे। कारण अभी जांच चल रही है, क्यों कारण मोटिव है अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये गिरफ्तार लोग सभी कहाँ के रहने वाले हैं? ये कैलाश कुमार है, साकिन शंकरपुर, राकेश कुमार है, उनको दोनों ताना चौसा जिला माधेपुर, अरुण कुमार है वो ताना रंगड़ा चौक जिला भागलपुर। पूरा विवरण अभी नहीं पता है, अभी रेलवे कर्मी भागलपुर में। धन्यवाद। एक और दो